सचेशन की बैठक इसलिए रखी कि इंतजार 15 दिनों में डेंगू के केसेस भी बढ़े, क्योंकि आपने पता है कि बरसात बहुत व्यापक रूप से रही, अभी उसका भी रही आपने प्रयागराज बाढ़ भी आई थी। जब डेंगू केस बढ़े तो मुझे लगा कि आपके एक सशक्त माध्यम से हम डेंगू से अपने प्रयागराज की जनता को अच्छी तरह से क्वेश्चन में हमने आपसे बात करी। जहाँ तक कि डेंगू से बचाव की बातें हैं, तो हमने आज स्वास्थ्य विभाग, माइक्रोबायोलॉजी विभाग और सोशल प्रोटेक्शन विभाग के प्रमुख भी आए हैं, तो यहाँ की तमाम तरह की क्वेरी जो आमर क्वेरी फैली हुई है, लिक्विड कपड़ों में ही है, डेंगू है या कार्ड टेस्ट होता है, कार्ड टेस्ट और माना जाता है नहीं है, जब तक राजा मनुष्य का असम ना हो गया, तो इस तरह की तमाम चीज़ें फैली हुई थी। इसके अलावा एक जैसा कि मुझे तमाम जगह कूलर में पानी में कोई ढक्कन नहीं है, सवाल कहता है, ये वो जगह है जहाँ पर कम अच्छा बनता है। आपकी जानकारी मतलब छोटी सी है ढक्कन वगैरह बोतल का उसमें भी पानी है पैदा होता है। इस विषय में हम आपके साथ चर्चा भी करना चाह रहे थे, और आपका बहुत व्यापक माध्यम है, उस माध्यम से जब आप सीखेंगे बताएंगे अपने दोस्त के जरिए, तो जरूर प्रयागराज की जनता डेंगू के अलावा जो पर्याप्त संख्या में होते हैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। आज तक हमारे पास 218 केसेस पॉजिटिव आए हैं डेंगू का। हमारे रेपिड रिस्पॉन्स टीम बनी हुई है जो इन घरों में जाती है, वहाँ पर 50 घरों के आसपास सर्वे करके वहाँ पर निर्धारण कार्रवाई शो सिलेक्शन जहाँ मच्छर डिलीवरी उसको रोकते हैं, वहाँ पर रेसिडुअल स्प्रे कराते हैं और उनको स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं। ये भी बताते हैं कि आपको अगर कोई तकलीफ हो रही है तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या अस्पताल में इलाज कराते हैं। आज आपने कार्ड का निर्देश दिया है तो वो कब तक करेंगे? एक कार्ड टेस्ट जो हो रहा था, एक मैंने अपील अपने नर्सिंग होम एसोसिएशन और इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के भाई बैठक की कि अगले 2 महीने तक जो कार्ड टेस्ट कर रहे हैं वो कंट्रोल में होते नहीं, कि सस्पेक्ट होता है कि 200 रुपये ज़्यादा लगा, क्योंकि आप लोग के माध्यम से कई बार पता लगा कि कार्ड टेस्ट का लोग 1000 रुपये 1500 रुपये तक भी चार्ज कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पुनीत कार्य होगा। तो आपने अपील करी है आदेश की? नहीं, मैं आदेश सबको नहीं दे सकता रेट के बारे में, लेकिन मैंने अपील करी है और कि एक व्यापक जनहित में हमारे नर्सिंग होम पैथोलॉजी के जो भी बंधु कार्ड टेस्ट कर रहे हैं 200 रुपये ज़्यादा मरीज से चार्ज कर रहे हैं। सर, 1600 से लेकर 2000 रुपये तक आज लिया गया है, आज 1600 रुपये व्यक्ति से लिया गया है। मैंने आपसे अभी कहा कि जैसा मुझे आप ही लोग माध्यम से पता लगता है, कुछ लोग मरीज बताते हैं कि इसका रेट 1000 से 1500 बीच दिया जा रहा है, तो आप सत्य कह रहे होंगे 1600। इसीलिए मैंने अपील किया कि अगले 2 महीने तक कार्ड टेस्ट का 200 रुपये ज़्यादा ना किया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नर्सिंग के साथी पथाधिक साथी मेरी सभी को जनहित में माने। सर, जो प्राइवेट नर्सिंग होम है वहाँ पे कोई इलाज कराने को मतलब उसकी भी कुछ सूचना देने के लिए आप नर्सिंग? हाँ, देखिए जैसा कि मैंने अभी आपसे बात कर रहा था कि डेंगू एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, और वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल एक्ट 2016 बना था, उसमें ये प्रोविजन है कि कोई भी अगर संभावित मरीज आप इलाज कर रहे हैं डेंगू का या अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज का, या कोई जांच कर रहा है पॉजिटिव केस आ रहा है, या कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है डेंगू खून कह के, तो उसका ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें बता दे। जब हमें बता देंगे तो उससे क्या होगा कि हम उस क्षेत्र में जाएंगे, उस जनता के पास जाएंगे, घर पर जाएंगे और निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे जिससे आस पास के लोग इसे सफर ना करें। तो ये डेंगू एक नोटिफाइबल डिजीज है, एक्ट के द्वारा इसको हमने नोटिफाई भी